एक बार फिर बिहार में भाजपा के सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू भाजपा के विरोध में उतर आई है। सामने आ रहा है कि जेडीयू ने बिल्कुल ही साफ तौर पर कह दिया है कि वह राज्यसभा में प्रस्तावित तीन तलाक संबंधित बिल का समर्थन ना करते हुए विरोध करने वाली है। तो वहीं सुनने में आ रहा है कि जेडीयू नेता और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने गुरुवार को कहा है कि उनकी पार्टी का लॉजिक शुरू से ही क्लियर है कि उनकी पार्टी किसी भी तरह के धार्मिक मामलों में नहीं पड़ना चाहेगी। पार्टी इस तरह की गतिविधियों का विरोध करती है। रजक ने ये भी कहा कि मसला चाहे राम मंदिर का हो या फिर तीन तलाक का हो या फिर चाहे धारा 370 का हो, हम इस बारे में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। बता दें कि भाजपा के साथ गठबंधन के वक्त ही इन चीजों के बारे में जेडीयू ने साफ तौर पर अपनी बातें सामने रखी थी। पार्टी ने ये भी कहा था कि भाजपा और जेडीयू का गठबंधन सिर्फ बिहार में है और इस गठबंधन के साथ हम एक कॉमन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा विवाद के जो भी मुद्दे हैं, जैसे कि अभी भाजपा राज्यसभा में तीन तलाक बिल लाने जा रही है, तो इस पर हमारी पार्टी का फैसला है कि हम इसका विरोध करेंगे और ऐसा हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि वे तीन तलाक या धारा 370 हटाने का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया से पूजा की रिपोर्ट।